यह 16वां सच है कि कोई भी बच्चा जो है जन्म से मुक्त नहीं होता, बल्कि उसका परिवार और समाज जो है उसे जिस प्रकार से ट्रेंड करता है, वो बच्चा जो है आगे चल करके जो है उसी प्रकार का जो है काम करता है और उसी प्रकार के जो है बुद्धि का प्रयोग करता है। आज कंपटीशन के युग में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो है, प्रतिस्पर्धा ने जो है हर पेरेंट्स को जो है, हर गार्जियन को जो है ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर में जो है हमारे बच्चों के जो है दिमाग में जो है किस प्रकार की जो है बुद्धि का जो है सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद खुद आप जो है निश्चय कीजिएगा, खुद आप इस बात को सोचिएगा कि आखिर हमारे बच्चों में जो है किस प्रकार की बुद्धि का जो है विकास सबसे ज़्यादा है। चार प्रकार की बुद्धि होती है हमारे दिमाग के अंदर, इंटेलिजेंस क्वेशेंट, इमोशनल क्वेशेंट, एडवर्सिटी क्वेशेंट और सोशल क्वेशेंट। तो सबसे पहली बुद्धि जो होती है वो होता है इंटेलिजेंस क्वेशेंट होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है आईक्यू भी बोलते हैं। आईक्यू जो है उसी बच्चे की सबसे ज्यादा होती है जिन बच्चों में जो है गणित के प्रश्न को हल करने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी विषय को जो है याद करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर किसी बच्चों में जो है गणित के प्रश्न को हल करने की क्षमता या किसी विषय के प्रश्नों के हल करने की क्षमता, किसी विषय को याद करने की क्षमता, किसी काम पे जो है फास्ट प्रोसेस करने की क्षमता अगर ज्यादा हो तो ऐसा समझा जाता है कि उस बच्चे की जो है आईक्यू का लेवल जो है वो काफी हाई है। सो आप जो है अगर अपने बच्चों में जो है आईक्यू का लेवल को जो है डेवलप करना चाहते हैं तो आप उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीजनिंग वाली चीज़ों को जो है हल करने के लिए दें, उनके अंदर जो है रीजनिंग की एबिलिटी को पैदा करें, सोचने की एबिलिटी को पैदा करें, उनके अंदर जो याद करने की एबिलिटी को पैदा करें। इससे बच्चे में जो क्या होता है आईक्यू उसका क्या होता है डेवलप होता है। आईक्यू का डेवलप होना भी बच्चों में बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे बच्चे जो है अपनी चीज़ों को जो है ज़्यादा समय तक जो है मेमोराइज कर सकते हैं। दूसरी जो बुद्धि हमारे दिमाग के अंदर होती है, बच्चों के अंदर होती है, वो है आपका इमोशनल क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट में जो है क्यों भी बोलते हैं। इमोशनल क्वेश्चन जो है बच्चों में जो है इस प्रवृत्ति को मेजर करता है कि आखिर बच्चे जो है किसी व्यक्ति के साथ कैसे इमोशनली अटैच होते हैं, उनके अंदर ईमानदारी के गुण, किसी चीजों पर विचार करने के गुण, ये सब जो है इमोशनल क्वेशेंट ही मेजर करता है। आपको जो है यह भी चाहिए कि जो है हमारे बच्चे में जो है इमोशनल क्वेशेंट जो है ज्यादा हो, क्योंकि अगर आपके बच्चे में इमोशनल क्वेशेंट ज्यादा होगी तभी वो जो है किसी चीज के प्रति जो है अच्छे ढंग से जो है विचार करें, वो ईमानदार बनेगा, वो एक रेस्पॉन्सिबल मैन बनेगा। अगर आप उसमें जो है इमोशनल क्वेश्चन की जो है अगर आप उसमें इमोशनल क्वेश्चन डेवलप कर पाते हैं, इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए आपको बच्चों को जो है ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन क्या होता है। इमोशनल क्वेश्चन ही आपकी बताता है किसी व्यक्ति में, इमोशनल क्वेश्चन ही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, व्यक्ति जो है छटपटा रहा है, मर रहा है, तो आपके अंदर की इमोशनल क्वेश्चन ही जो है ये बताती है कि उस व्यक्ति का जो है हमें हेल्प करना है या बैठ के जो क्या करना है, फोटो खींचना है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है वहां पे दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो उस व्यक्ति का हेल्प कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास पहुंचाने के प्रोसेस कर रहे होते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वहां पे खड़ा होकर के जो है फोन से जो है सेल्फी और जो है वीडियो बनाए, और इन दोनों व्यक्ति में ही फर्क होता है कि फर्स्ट व्यक्ति के पास जो है इमोशनल क्वेश्चन जो है काफी हाई लेवल की है और सेकंड व्यक्ति के पास जो है इमोशनल क्वेश्चन जो है काफी जो है लो क्वालिटी है। सो आप अपने बच्चों में जो है इमोशनल क्वेश्चन को भी डेवलप करें ताकि वो समझ सके व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो समझ सके कि आखिर में जिम्मेदारी क्या होती है। तीसरी जो बुद्धि बच्चों में होती है, हमारे अंदर जो होती है दिमाग के जो अंदर होती है, वो है आपका जो है सोशल क्वेश्चन।
शॉर्ट में होते हैं एसक्यू भी बोलते हैं। सोशल प्रेजेंट जो है बच्चों में ये मेजर करता है कि आपका बच्चा जो है सोशली तरीके से किस प्रकार से कनेक्टेड है, सामाजिक तौर पर जो है किसी चीज को बच्चा कैसे समझता है। सोशल प्रेजेंट बच्चों में दोस्ती को बनाए रखने की क्षमता को मापता है कि आखिर वो बच्चा जो है कितने समय तक जो है अपने दोस्तों के साथ जो है जुड़ा रहेगा, अपने समाज के साथ जुड़ा रहेगा, अपने फैमिली के साथ जुड़ा रहेगा। ये सारी चीज जो है सोशल प्रेजेंट जो है बच्चों में जो है आकलन करता है, मेजर करता है उसकी क्षमता को। और सबसे अहम, सबसे मुख्य जो हमारे दिमाग के अंदर की जो बुद्धि होती है, जो चौथी बुद्धि है वो आपका है एडवर्सिटी परसेंट, इसे शॉर्ट में हम लोग कहें क्यों बोलते हैं। मेरा वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य जो था ये था कि मैं आपको बता सकूं कि जो है एडवर्सिटी परसेंट जो है बच्चों में जो है हमारे युवाओं में जो है हमारे अंदर जो है हमारे दिमाग के अंदर जो है क्या करता है। और आप जो है रियलाइज कीजिएगा कि जो है इन चारों परसेंट में जो है इन चारों ही जो बुद्धि में जो है हमारे बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार की बुद्धि का जो है डेवलपमेंट। एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है हमारे बच्चों में जो है हमारे युवाओं में जो है ये मापता है कि हमारे बच्चे जो है विपत्ति के समय में जो है किस प्रकार से जो है बने रहते हैं। क्योंकि आज जो है प्रतिस्पर्धा के युग है, सारे लोग जो है सक्सेस पाना चाहते हैं और इन सक्सेस पाने के पीछे जो है लोग इतने पागल हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में जो है ऐसे युग में जो है जहाँ पे जो है ज़्यादा ही कंपटीशन है, जहाँ पे ज़्यादा ही प्रतिस्पर्धा है, वहाँ आपके बच्चों में जो है एडवर्सिटी क्वेश्चन का जो है ज़्यादा होना बहुत जरूरी। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है जो एक जो होता है हमारे बच्चों में जो है परेशानियों की जो है सामना करने की जो है क्षमता को। आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं सभी लोगों को मालूम हुआ कि आज हम लोग जो है कोरोना के दौर से गुजर, कोरोना महामारी ने जो है हमारी समझ जो है एक ऐसी जो है विपत्ति पैदा कर दी है जिसके चलते जो है बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे से लोग जो जो है कभी जो है एक सफल हुआ करते थे, जिनकी जो है सफलता जो है समान चुनती थी, वैसे पर्सन भी लोग जो है वैसे पर्सन भी जो है डिप्रेशन में चले गए। आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो बुद्धि होती है ये अगर आपके बच्चे में डेवलप कर जाए तो फिर आपको कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो जो करेगा वो खुद करेगा क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैं विपत्ति के साथ जो है कैसे सामना करना है। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है बच्चे में ये बताता है कि बच्चा जो है कठिन परिस्थिति के समय जो है छोड़कर भाग जाएगा या उसका सामना करेगा। मैं भारत के जो है तमाम पेरेंट्स से जो है आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों को बच्चे में जो है एडवर्सिटी परसेंट को जो है जागरूक करने के लिए, एडवर्सिटी परसेंट की जो है डेवलपमेंट को करने के लिए जो है बच्चों को जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो है भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे पे जो है किसी एक्स्ट्रा तरीके का जो है बर्डन नहीं डाला जाए। बच्चे की जो है रुचि जिस फील्ड में हो आप उसी फील्ड में उसे जो है करने के लिए दें। बच्चे को थोड़ी जो मेहनत वाली काम करने के लिए उसे सिर्फ जो है पढ़ाई में ही व्यस्त ना रखें, पढ़ाई के साथ साथ जो है उसे खेलने के लिए कुछ करने के लिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसे करने के लिए दिया जाए। क्योंकि ये सब सारी काम करने से जो है क्या होता है बच्चों में जो है एडवर्सिटी परसेंट जो है ज़्यादा ही डेवलप हो जाता है। और एक बार अगर आपके बच्चे में एडवर्सिटी परसेंट डेवलप हो गई फिर आपको कुछ करने की क्षमता नहीं, बच्चा जो है जो भी करेगा खुद करेगा। मैं भारत के जो है तमाम पेरेंट्स से यह भी आग्रह करता हूँ कि आप जो है बच्चों के लिए रास्ता ना बनाएं, आप जो है बच्चों के लिए रास्ता ना बनाएं, बल्कि जो है बच्चे जिस रास्ते पर चलते हैं उन रास्ते पर चलने के लिए उन्हें जो है सजेस्ट करें। आप हमेशा जो है बच्चों की बात को सुने वो क्या बोलता है, अगर उसमें आपको कुछ त्रुटि लगे तो उन्हें समझाएं और आपको उसको जो है उस त्रुटि को दूर करके जो है उसे जो उस बात पे जो है चलने के लिए जो है अग्रसर
है अपनी जो है किसी प्रकार की लक्ष्य को जो है उस बच्चे में थोप दें, जिस लक्ष्य को आपने कभी जो है अचीव ना किया, ये गलत तरीका है।